Aguri. Hey guys, तो आज मेरा सिटी के बाद ये उसके बाद आरा ब्लॉग जो कि पटना से आपका आरा का है। तो अभी हम सब शाम को निकलेंगे, हम और एक मेरे अंकल हैं, तो शाम को निकलने वाले हैं आरा और आपको मैं पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ जो कि पटना टू आरा है। अभी मैं फोर व्हीलर से निकलूँगा यहाँ से ये पटना से आरा की ओर। तो यार जो भी न्यू व्यूअर हो तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना यार प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आरा के बंदे हो या फिर कोई हो तो यार बताओ कि आरा में कहाँ पर घूमने वाला जगह है। ऐसे तो हम सब वहाँ पे होटल लेने वाले हैं, अंकल का एक मीटिंग वगैरह है, तो अगर मीटिंग जल्दी हो गया तो ठीक है, हम सब निकलने की कोशिश करेंगे कहीं पर घूमने के लिए। अगर टाइम नहीं मिल पाया तो नहीं जा पाएंगे। तो आज का प्रोग्राम है आरा, तो आरा जाना है बस। अभी बस मैं रेडी होने जा रहा हूँ, रेडी वेडी होकर आऊँगा, फिर मैं आपको लेकर चलूँगा। हे गाइस, तो फाइनली आई एम रेडी, येलो डेनिम एंड डार्क टी शर्ट और रगड़ में जीन्स होगा। तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ अच्छे से, बस अंकल के पास जाना है और वहाँ से देन अंकल को पिकअप करके मैं ए ब्लॉक में रहता हूँ और अंकल बी ब्लॉक में रहते हैं, तो फिर निकलना है। तो चलो आज का राइड का मज़ा दिखाता हूँ। आज बाइक से नहीं हूँ एक्चुअली, आज मैं हूँ फोर व्हीलर से जो कि अंकल का है, मेरा नहीं है भाई। अभी अपने पास उतना रुपये आया नहीं है कि मैं अभी चाचा कर ले सकूँ, बट मेहनत कर रहा हूँ और आप सबका दुआ रहा तो ज़रूर यार नेक्स्ट ईयर या फिर उसके नेक्स्ट ईयर। तो ठीक है, अभी मैं रेडी होकर फर्स्ट क्लास और बस आरा की ओर प्रस्थान करूँगा। हाँ, डेनिम मैं इसलिए पहना हूँ यार क्योंकि वो आउटसाइडर हो जाता है, वो आपको क्या बोलते हैं पटना से काफ़ी दूर है, तो उधर अभी आपका ठंडा आ चुका है। तो मेरे को अंकल बोल रहे थे कि हल्का फुल्का उधर विंटर रहता ही रहता है डैम श्योर, जो तुम कुछ गर्म कपड़ा ले लेना। तो मैं डेनिम पहन लिया हूँ और बाकी देखते हैं कैसा है वहाँ का वेदर वगैरह उस साइड का, मतलब आउटसाइड हो जाता है थोड़ा सा आपका क्या बोलते हैं पटना से 40-50 किलोमीटर हटकर है, तो देखते हैं क्या होता है। चलो आपको लगे चलता हूँ पटना से आरा, ठीक है। और अगर मैं शाम तक आ गया रिफंड तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका दो एपिसोड बनाना पड़ेगा ये मेरे को, एक ये पटना टू आरा और एक आरा टू पटना, एक जाने का और एक आने का, ठीक है। तो यार जो भी ये वीडियो देख रहे हो अगर आपको देखना हो तो आप प्लीज़ सेकेंड वाला भी आप वीडियो देख लेना, ठीक है। ये एपिसोड आपका फर्स्ट है, ये पटना टू आरा और एक आरा टू पटना होगा, वो आपका सेकेंड एपिसोड होगा, ठीक है। तो चलो यार चलते हैं आरा वालों के पास कैसा है, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहो यार प्लीज़, न्यू व्यूअर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई। और यार प्लीज़ मेरे पास कोई कैमरा वैमरा है नहीं, मैं अपना फ़ोन से ही यार जो भी ब्लॉग बनाता हूँ या फोटोशूट करता हूँ तो अपना फ़ोन से ही करता हूँ। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो यार, एक गरीब इंसान का क्या बोल सकता हूँ इसके अलावा। चलो ठीक है, मिलते हैं वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। मिरर भी है, खास नहीं है बस काम भर है, देख सकते हो आगे। तो ये रहा पार्किंग, ये हम ए ब्लॉक में रहते हैं और अंकल बी ब्लॉक में रहते हैं।
Audio Jungle. तो वो रहा मेन गेट और उसके बाद ये रहा बेडरूम। ये काफ़ी अच्छा है यार, देख सकते हो पानी वाने सब टेबल पर, ये टीवी लगा हुआ है और अच्छा यार कैमरा। एक्चुअली मेरा ये लुक है, न्यू लुक जो कि आप देख सकते हो मेरे में। तो आओ, ये रहा डोरोवर वगैरह कुछ छप रखने वखने के लिए रहा। तो बाकी आपका वॉशरूम शानदार, तो मेरा वॉशरूम अच्छा है एक्चुअली। वॉशरूम मस्त है, आप देख सकते हो। फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, समझा करो गरीबी इंसान का हाल। तो काफ़ी अच्छा है मौसम वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह जो भी रहा, लाइटिंग वाइटिंग आपको दिया गया यहाँ पर। और ये टॉयलेट है, ड्रेसिंग बहुत लंबा, मतलब आपका शावर वगैरह को लेने के लिए टॉवल है यहाँ पे, आपको देख सकते हैं आपका टॉवल है। और ये रहा आपका बाल्टी वगैरह का सामान, मतलब आप कुछ सस्ते में कर सकते हो शावर से, नहीं तो फिर आप बाल्टी ले सकते हो टॉयलेट के लिए। ड्रेसिंग तो बहुत मस्त है यार, पानी वानी देता है ये नहीं इस तरह है भाई, उठाओ अलग है। अलग है वैसे। और हेयर ड्रायर भी आपको यहाँ पे है, हेयर ड्रायर, एक छोटा सा मिरर है, आ रहा है अच्छा मिरर में यार, ये अपना यही ठीक है, तो ये मस्त आ रहा है यार, ठीक है ना। बाल खोल लेता हूँ एक्चुअली, मस्त आ रहा है एकदम, लॉन्ग हेयर है ना अपना, ये मेरा न्यू लुक है यार एक्चुअली, मैं रख रहा हूँ। तो आप देख लीजिए वॉशरूम, देख सकते हैं तो देख ही लीजिए आप। बाकी आपको कहीं पर कॉल वगैरह करना है तो यहाँ पे इंटरकॉम दिया गया है, लाइटिंग भी मस्त है। और ऊपर रूम का तो डेकोरेशन खैर क्यूट है, टीवी देख ही लियो हो। और ये रहा बाहर का विंडो, एक्चुअली मैं तो अभी ये आपको दिखेगा नहीं, मैं बाहर का कोशिश करूँगा दिखाने के लिए, जो एक्चुअली अभी नाइट है तो अच्छा नहीं लगेगा यार, ये दिन के लिए भी बहुत बढ़िया, तो अभी मैं लगा देता हूँ। टीवी वगैरह देख सकते हो यहाँ पे, अच्छा टीवी लगा हुआ है, देखिए अभी देखो क्या होता है यार। एक्चुअली आज रात में मैं भी अगर मीटिंग अंदर ख़त्म हो गया तो निकल जाएंगे, और नहीं तो फिर उसके बाद क्या होता है। देखो टेबल पे मैं अच्छे से दिखा नहीं पाया था, और टेबल में यहाँ पे कफ रखा हुआ है, छोटे चम्मच, कॉफ़ी, दूध वगैरह जो भी आपको लेना हो, ऑन ऑफ करने के लिए पानी रखा हुआ यार, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट है, कवर्ड है,
मेनू वगैरह कुछ अपना रख सकते हो, फाइल वगैरह, चेयर है, नाइस डस्टबिन, रिमोट। अब क्या यार, अपना बाहर जाए देख लिया जो भी था, रूम का रेनोवेशन वगैरह। बाकी होटल बहुत अच्छा है, शानदार है, नो डाउट। तो क्योंकि लाइट है तो अभी यार कुछ देखते हैं, अंकल का कब तक मीटिंग होता है, उसके बाद फिर नाश्ता का ब्रेकफास्ट करेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट डिनर का हुआ तो हुआ। अभी अंकल कुछ देने वाले हैं ऑर्डर, मैं पूछ रहा था अभी रास्ते में कुछ खाओ खा लेता हूँ, बोला कि नहीं अंकल जो अभी भूख नहीं है, तो जब भूख लगेगा तो बोलूँगा अंकल से, या फिर मैं कुछ खुद ही ऑर्डर दे दूँगा, नीचे रेस्टोरेंट है आपका तो आप मंगा सकते हो ऑर्डर से। बाकी वो मज़ा आता है एकदम से, होटल का यही मज़ा है, जब जो भी आता है मस्त रहता है। यू नो यू टिकटॉक का वीडियो बना, टिकटॉक तो यार बैन हो गया है इंडिया में, टिकटॉक नहीं रील पर मतलब इंस्टाग्राम पर, तो देखते हैं टाइम मिला तो बनाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं तो कहाँ से बना पाऊँ। अभी मैं रात को निकलूँगा तो फिर मैं रात को कुछ शूट कर पाऊँगा, जब कर पाऊँगा यार, नहीं तो फिर घर में घर का दिखाऊँगा। और अगर मॉर्निंग में मैं चेकआउट करूँगा यहाँ से निकलूँगा तो मॉर्निंग का मैं पूरा व्यू दिखाऊँगा आपको यहाँ से आरा से ये पटना का, ठीक है? तो क्या आप सब इंतजार करो यार, मुझे भी रेस्ट करने दो। आज अब पता नहीं यार ये वीडियो कब पोस्ट होगा, मतलब 2-3 दिन में पोस्ट हो जाएगा, एडिट थोड़ा करने में समय लगता है, उसके बाद वीडियो पोस्ट हो जाएगा। और देखो आज तो यार मतलब जाम वगैरह था आपका, यहाँ छठ पूजा बिहार में यार महापर्व होता है, जो कि बिहार का फेमस छठ पूजा है आपका, और मैं प्रसाद भी नहीं खा पाया यार, इसके लिए मुझे मैं मतलब बहुत मिस कर रहा हूँ। और अंकल के साथ आना था तो मैं निकल गया तो खा नहीं पाया, अंकल का मीटिंग था और अंकल बोले कि शायद थोड़ा चलना साथ में, ठीक है अंकल चले, मेरा ब्लॉग भी ये बन जाएगा और अंकल का काम भी हो जाएगा, इसीलिए बस यार मच्छर है क्या मच्छर एक दो मच्छर है, चलो मिलते हैं यार नीचे। अभी लिफ्ट में आया तो मैं वहाँ पर भी रिकॉर्ड नहीं करवाया यार, जल्दबाजी में था तो अंकल जल्दी जल्दी रूम लिए और आए, उनके मतलब जिनके साथ ये मीटिंग था तो वो आए हुए थे, तो जल्दी से रूम लिए और बस आगे रूम में। बाकी ऑल गुड, नो डाउट, चलो मिलता हूँ यार ब्रेकफास्ट के बाद, जब ब्रेकफास्ट आएगा तो फिर मैं आपको लाऊंगा, ठीक है? बाय। तो फाइनली अभी मैं बाहर गया हुआ था कुछ काम से, आ गया हूँ, ये टेबल लेकर करना मेरे को ना, मतलब ये क्या अपने डेनिम जो पहना था तो मेरे को बहुत मतलब क्या बोलते हैं भारी लग रहा था, तो इसीलिए बाहर था, विंटर वगैरह ठंडा वगैरह तो बाहर था, अभी मतलब होटल में पैक है हवा, मतलब पंखा खोले हुए यार पैक है ना, तो यहाँ पे एसी भी है तो एसी कौन ठंडा में चालू करेगा, किसको मरने का मन है। अभी जस्ट आए हैं मतलब अंकल के साथ एसी में बैठ कर, तो फ्रंट में लग रहा था ये कार में एसी में, आगे में लग रहा था मेरे को सर्दी होने लग गया था, तो इसीलिए हम अंकल मतलब क्या बोलते मना कर रहे थे, अंकल बंद कर देगा जो भी एसी वगैरह हो, तो अभी नहीं, अब मेरा मतलब सर्दी होने लग गया था, मेरे को जुकाम वगैरह हो गया था, बस मतलब 1 घंटा बैठा था यार बस क्या बोलते गाड़ी में, और क्या ये लॉकेट मस्त है, गिफ्टेड लॉकेट है बाकी आप देखें क्या होता है।
ठीक है फाइनली गाइस बात हो गई मम्मी से, बोलिए जैसा देखना वैसा सिचुएशन के अनुसार अपना ये करना, इंतजाम कर लेना, देखो क्या होता। बाकी बोलने के कुछ है नहीं, क्या बोलूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा हूँ। तो मैं कैमरा बड़ा घुमा रहा हूँ, अभी तो तेरा मीटिंग चल रहा है यार। वो रिमोट कहाँ है यार, रात में ही होल्ड करना है और दिन कल मॉर्निंग में निकलना है। तो खाना वाना हो गया डिनर में, तो अभी कल मॉर्निंग में चेकअप करना है। चलो तो उसका दो एपिसोड बनाना पड़ेगा मेरे को, पटना टू वाला और एक आर टू पटना। तो कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।